जी नमस्कार, सत श्री अकाल। एक दो दिन तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैनू भेजा भी गया, मैनू मैसेज भी किए हैं कि आपने दाढ़ी मूछ के बारे में कुछ मजाक उड़ाया है। मैं वो वीडियो बार बार वेखन दी है दो दिन तो। मैं थानू भी रिक्वेस्ट करांगी कि प्लीज़ आप लोग भी वो वीडियो देखो। और मैंने कहीं भी किसी धर्म या किसी कास्ट के बारे में नहीं बोला कि इस धर्म के लोग ये दाढ़ी रखते हैं और ये प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी भी मतलब तुसी आप वीडियो देख लो, उहदे विच मैं कभी भी किसी पंजाबी बारे नहीं बोलिया कि पंजाबी लोग दाढ़ी रखते ने या दाढ़ी मूछा नाल यह प्रॉब्लम होंदी है। मैं एक मतलब जेन्युइन गल कर रही थी, कॉमेडी कर रही थी अपनी फ्रेंड दे नाल कि दाढ़ी मूछ ते अजकल हर कोई रखता है। बट अगर मेरी ए लाइना वालों अगर किसी भी धर्म जात दे लोग हर्ट होए ने तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदी हाँ। मैं खुद पंजाबी हाँ, अमृतसर पैदा हुई हाँ, तो मैं पंजाब का मान पूरा रखांगी। और मैं पता है कि पंजाबी होने के नाते मैं प्राउड है कि मैं पंजाबी हाँ। पिछले दिनी भारती सिंह नाम की एक हास-रस कलाकार वालों सिखी सलूक के बारे बहुत भत्तियां ते कोझियां टिप्पणियां कीतियां गईयां। असीं इह समझदे हां कि इस पंजाब की रहण वाली है, खास तौर पर जानकारी मिली है कि गुरु की नगरी अमृतसर साहब की जंपल है, तो उसके वालों दाढ़ी केस जिहड़ा कि सिखी सरूप है, जिहड़ा कि सन्मान सिखी सरूप है, गुरु साहब की बख्शी जिहड़ी कि दात है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਭੱਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੂਆ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁਆ ਜਿਸਮੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾੜੀ ਮੂਛ ਸੇ ਮੁਤਲਿਕ ਇੱਕ ਤਬਸਰਾ ਕੀਆ। इस सिलसिले में पंजाब के जालंधर में उनके खिलाफ FIR दर्ज करा ली गई। इस तनाजा के बाद भारती सिंह ने माफी मांग ली है। कौमी अकलियती कमीशन ने कॉमेडियन भारती सिंह के एक तबसरा से मुतल्लिक तनाजा के मामले में महाराष्ट्र और पंजाब इंतजामिया से रिपोर्ट भी तलब की है। कमीशन का कहना है कि भारती के रिमार्क से सिख बिरादरी के जज्बात को ठेस पहुंची है। अकलियती कमीशन के जारी करदा बयान के मुताबिक कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने महाराष्ट्र और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की है और उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मजीद इकदाम किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भारती सिंह ने दाढ़ी मूछ से मुतलिक तबसरा किया। इस सिलसिले में पंजाब के जालंधर में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा चुकी है। तनाजा खड़ा होने के बाद भारती ने माफी तो मांग ली थी, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने किसी जात या मजहब का जिक्र नहीं किया और उनका मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। खबर रिसा एजेंसी PTI के मुताबिक अकलियतों के कौमी कमीशन ने एक बयान में कहा कि उसे भारती सिंह के खिलाफ टेलीविजन पर दाढ़ी और मूछों के मजाक के हवाले से शिकायत मौसूल हुई। कमीशन ने कहा चूँकि इससे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क सिखों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचेगी, इसलिए अकलियतों के कौमी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने इस मामले में पंजाब और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की। कमीशन ने कहा कि वो मुनासिब समझी जाने वाली रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई जरूर करेंगे। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कॉमेडियन के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ता जालंधर के आदमपुरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। ये मुकदमा रविदास टाइगर फोर्स नामी तंजीम के सरबरा जस्सी तलान की शिकायत पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक भारती सिंह पर एक पुरानी वीडियो में सिख लोगों की मूछों और दाढ़ी का मजाक उड़ाने का इल्जाम है जो दफा 295A के तहत FIR में दर्ज है।